शहडोल के अमलाई थाना क्षेत्र में विधवा महिला को शादी का प्रलोभन देकर लंबे समय से दुराचार करने वाला दुराचारी को अमलाई पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल से पेश है हमारे संवाददाता विजय रजक की एक खास रिपोर्ट। अमलाई थाना क्षेत्र के अमलाई बस्ती में रहने वाली एक 35 वर्षीय महिला के संपर्क में आए अनूपपुर जिले के ग्राम परासी निवासी श्याम सुंदर पनिका, जो कि पेशे से ड्राइवर है, उसने शादी का प्रलोभन देकर विधवा महिला के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया, जिसके बाद शादी से इनकार कर दिया। महिला को धोखे में रखकर शारीरिक शोषण करने से आहत महिला ने मामले की शिकायत थाने में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने श्याम सुंदर पनिका के खिलाफ 376 की अन्य धाराओं के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार कर लिया है। इस श्याम सुंदर पनिका नाम का व्यक्ति है, जो भालूमाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, यहाँ स्थायी रूप से OPM में भी रहता है। इसने उस महिला को झांसा दिया कि शादी कर लेंगे, और उसी विश्वास में आके महिला उसके साथ में रहती रही, और इसने श्याम सुंदर पनिका के साथ कई दुराचार भी किया, और फिर बाद में उस बात से मुकर गया। इसकी रिपोर्ट महिला द्वारा की गई है, क्योंकि थाना अमलाई का ही मामला है, इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है और आरोपी गिरफ्तार हो गए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।